कसम से बता रहा हूँ, ये बाल के लिए ना मैं तरस गया था भाई। इस बाल के लिए मैं सोचा नहीं था कि भैया हेयर ट्रांसप्लांट एक ऐसा ऑप्शन होगा जिससे कि मेरा भी बाल जो है रिकवर हो जाएगा करके देखो। और दोस्तों आप लोगों ने नहीं देखा होगा कि भैया मेरा हेयर ट्रांसप्लांट से पहले मेरा हेयर का कंडीशन कैसा था, तो यहाँ पर आप लोग मेरा पुराना वीडियो देख लीजिए जो कि हेयर ट्रांसप्लांट कराने से पहले शूट किया था, वो वाला वीडियो है, देख लीजिए। सिर्फ आज के लिए ये बाल है, उसके बाद कल से ट्रांसप्लांट होगा, इस बाल को देखने को नहीं मिलेगा गाइस। क्या बोलो इसका क्या करना पड़ेगा जुगाड़, कल डॉक्टर ही करेगा इसका जुगाड़, पानी तेल मलहम पट्टी जो भी लगाएगा लगाएगा, यहाँ हेयर निकाल करके और बैक साइड यहीं पर निकालेंगे और सामने की तरफ लगाएंगे। दोस्तों आप लोगों को हमेशा की तरह पता भी होगा कि मैं 2.5 से 3 महीने में अपना बाल कटा लेता हूँ, जबकि आप लोगों को पता है दोस्तों इतना छोटा छोटा बाल रखता हूँ। और अभी जो मेरा बाल है दोस्तों मैं दिखा रहा हूँ आपको कितना बड़ा हो गया है, एक हाथ में तैयार दिखाते नहीं बनता, ये करूँगा तो यार कैसे नापूँ भाई। ये देखो दोस्तों कितना लंबा है, इसको मैं ऐसे लाता हूँ अपने नीचे की तरफ, ये वाला भाग है तो यहाँ से मैं ऐसा नापता हूँ, इतना बड़ा बड़ा बाल है दोस्तों, देखो 3 उंगली के बराबर, देख रहे हो इतना बड़ा बड़ा बाल हो जाता है मेरा। 2.5 मंथ के लगभग ही हो रहा है, फिर से कटाने के लिए जाऊंगा। और बहुत लोग बोलते हैं यार कि भाई ट्रांसप्लांटेड बाल बहुत लोगों का जो रहता है धीरे धीरे ग्रोथ करता है, बट मेरा दोस्तों मैं अपना एक्चुअल चीज़ बताऊँ ना, बहुत फास्ट बढ़ता है। जब मेरा बाल झड़ रहा था ना उस समय बिल्कुल धीरे 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 निकल रहा, मतलब 5 या 6 मंथ में इतना बड़ा बाल होता था, 5 से 6 मंथ। और जब से ट्रांसप्लांट कराया हूँ दोस्तों, जब से ये ट्रीटमेंट वगैरह मेरा चालू हुआ है, गाइडलाइन चालू हुआ है जो सर लोग मेरे बताए थे वो सब, और अपना एक्सपीरियंस वाला बहुत सारा चीज़ अपने हिसाब से इंक्लूड किया हुआ हूँ बहुत सारा दोस्तों, जैसे डर्मा रोलर करना, किस टाइम पे करना और किस टाइम पे आपको कौन सा डाइट लेना, ये सब चीज़ दोस्तों मैं अपने तरफ से इंक्लूड किया सब वीडियो वगैरह देख देख के। इतना ज़्यादा दोस्तों ये बढ़ता है ना कि मेरा बाल की पूछो ही मत, और बहुत लोगों की ये गाइडलाइन वगैरह पता ही नहीं है। तो चलिए दोस्तों फिर हम लोग आज चलते हैं नाई के पास बाल कटाने के लिए, और जितने भाई लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपना हेयर कटिंग कराने के लिए, और जितने भी भाई लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आप लोगों को हमेशा हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड जेन्युइन कंटेंट मिलता रहे। एंड चलिए दोस्तों कराते हैं फिर से छोटा छोटा बिल्कुल बारीकी वाला कराता हूँ, देखो दोस्तों बगल का भी बाल कितना बड़ा बड़ा हो गया, ये बिल्कुल छोटा छोटा कराता हूँ यहाँ पे 2.5 महीने इतना बड़ा बड़ा हो जाता है, कटाने का जरूरत पड़ जाता है। देखो ये देखो दोस्तों ऐसे कर रहा हूँ मैं नॉर्मली। चलिए दोस्तों चलते हैं। तो फाइनली दोस्तों मैं से की तरफ पहुँच चुका हूँ मैं सागर जेंट्स पार्लर, और अंदर चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। ये है दोस्तों सैलून के अंदर का बैकग्राउंड जो कि आप लोग देख रहे हैं किस तरह से है, जो भी कटिंग आप लोगों को कटाना होगा वो सर को एक बार बता देना कि अला कटिंग कराना है, उसके हिसाब से फिर अच्छे से काट कर आप लोगों को दे देंगे। दोस्तों हमारा नंबर लग गया। दोस्तों ये रहा मेरा टोनर एरिया, देखो पीछे से कैसा दिखाई दे रहा है और फ्रंट से दिखाऊं कैसा दिखाई देता है, ऐसा दिखाई देता है, ये रहा बिल्कुल नेचुरल लुक, आज कटाने के लिए आया हुआ हूँ। देखो
डोनर ही रेडी करो, देखो कटिंग के बाद बिल्कुल नेचुरल। तो फाइनली दोस्तों मेरा हेयर कटिंग वगैरह हो चुका है एंड मैं कंघी वगैरह भी लेकर आ चुका हूँ। लेकिन एक चीज दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, इतना ज्यादा घटिया फील होता था मेरे को ना, जिसको घटिया बोलते हैं भाई, ऐसे बाल के लिए ना मैं सही बता रहा हूँ मैं तरस गया था। और ऐसे देखो यार, हमारे आसपास के जो पड़ोस के लोग रहते हैं ना, वो लोग क्या बोलते बताऊं, हेयर ट्रांसप्लांट कराओगे तो कोई बोलता है कैंसर होकर मर जाओगे, कोई बोलता है आंख दिखना बंद हो जाएगा, कोई बोलता है कुछ हो जाएगा, कोई बोलता है कुछ हो जाएगा। तो भाई ये तरह तरह का अफवाह है हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड, मैं बता रहा हूँ। जब मैं अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने गया तो वही मेरे आसपास के लोग और जो ब्लड वगैरह जो चेकअप वगैरह कराओ, नहीं बोलते हैं बॉडी का पूरा पार्ट चेक होता है उसके बाद ही हेयर ट्रांसप्लांट होता है, वो चेक कराने गया, वहां पर भी ऐसे ऐसे नमूने बैठे हैं, अरे भाई मर जाते हैं वो लोग, कैंसर हो जाता है, उससे बड़े हेयर पेच लगा लो। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, हेयर पेच भूल कर भी मत लगवाना, पैसा आपका जाएगा 12-13 हजार का आपका पेच आएगा, एक साल चलेगा, फिर से दूसरा साल फिर से चेंज करना पड़ेगा, और प्लस जो आपका बचा खुचा जो बाल रहता है ना दोस्तों, उसको भी खत्म कर डालता है। तो कभी भी पेच के चक्कर में आप लोग मत पड़ना। और भाई ये जो बाल है ना भाई, कसम से बता रहा हूं, ये बाल के लिए ना मैं तरस गया था भाई, इस बाल के लिए मैं सोचा नहीं था कि भैया हेयर ट्रांसप्लांट एक ऐसा ऑप्शन होगा जिससे कि मेरा भी बाल जो है रिकवर हो जाएगा करके। देखो कितना हाई डेंसिटी के साथ है, और प्लस मैं अभी आया हुआ हूँ मतलब सैलून से अपना बाल कटा करके, एंड सीधा मैं आ गया हूँ अपने सेटअप रूम में। देखो अभी सब चीज मेरा बंद है, पीसी वगैरह, तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखा दूं कि डेंसिटी किस तरह से मेरा दिखाई देता है। आप लोगों ने देख लिया मेरा कि हेयर ट्रांसप्लांट से पहले मेरा हेड का कंडीशन कैसा था, और अभी फिलहाल कैसा दोस्तों आप लोगों के सामने है। और ऐसे ही दोस्तों मैं ना एक पेशेंट भाई का और करा, उनका भी जबरदस्त रिजल्ट आया हुआ है, और मेरा भी देखो इतना तावड़ तोड़ आया है कि भाई कसम से बता रहा हूँ दिल खुश हो गया मेरा रिजल्ट देख करके ना। ये लुकिंग वगैरह जो देख रहे हो दोस्तों, ये फ्रंट का जो हेयर लाइन वगैरह है ना, ये सब अपना भोपाल का है, और जो पीछे का दोस्तों हल्का फुल्का जो ग्राफिंग पहले हुआ था ना, वो मैं रायपुर में करा था। आप लोगों को पता ही होगा हर चीज, क्योंकि मैं आज तक हो गया किसी भी वीडियो में किसी भी चीज को छिपाने वाला काम मैं नहीं किया हूँ। तो चलिए दोस्तों आप लोगों को दिखा दूं मेरा डेंसिटी कैसा दिखाई देता है, और ये दोस्तों मेरा हेयर लुकिंग आप लोगों को कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। चलिए सबसे पहले आप लोगों को मैं डेंसिटी वगैरह अपना दिखा दूं। दोस्तों ये है मेरा कंघी, कहो या कंघा बोलो, देखो दोस्तों डेंसिटी, यार बाल कटा कर आया हूं, बाल पूरा गिर रहा है। लेकिन तो सबसे पहले दोस्तों ऐसे करते हैं डेंसिटी दिखाने के लिए आपको, सबसे पहले हम क्या करते हैं इसको ऐसे करते हैं और फिर इसको ऐसे करते हैं। देखो दोस्तों कितना नेचुरल रिजल्ट है, फिर इसको हम ऐसे करते हैं, फिर इसको ऐसे करते हैं, देखो नेचुरल रिजल्ट है। ये दोस्तों जो बीच का मेरा बाल है ना, ये तो मेरा ओरिजिनल बाल है, ये तो भूल जाओ बीच का, ये बगल का देखते हैं आप, हाँ जहाँ पर मैं ट्रांसप्लांटेड हुआ, ये देखो दोस्तों कितना नेचुरल बाल है। दोस्तों देखो लग ही नहीं रहा कि मैंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है। ठीक है दोस्तों आप लोगों ने सामने से देख लिया, अब मैं आप लोगों को दिखा दूं दोस्तों दायां साइड से कैसा दिखाई देता है। अरे यार क्या बह गया, ये सामने से दोस्तों, ये दायां साइड से देखो, और ये दोस्तों बायां साइड से देखो कैसा दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को टोनर एरिया दिखा दूं, मेरा टोनर एरिया हेयर कटिंग करा कर आया हूं दोस्तों, और देखो कैसा दिखाई दे रहा है, ये लग ही नहीं रहा कि मैंने कहीं से अपना ग्राफिंग वगैरह निकलवाया, देखो यही से अपना ग्राफिंग निकला हुआ है, देखो लग नहीं रहा कि मैंने यहाँ से अपना ग्राफिंग वगैरह निकलवाया हूँ, देखो देख लिया दोस्तों इतना जबरदस्त रिजल्ट आया हुआ है दोस्तों कि मैं आप लोगों को जितना ही तारीफ करूँ ना अपना हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में उतना ही ज्यादा कम है, बाकी आप लोगों के सामने जो भी चीज है। तो चलिए दोस्तों मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम, टाटा बाय बाय। I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. See-